फ्रेंड्स, इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 के लिए फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है, क्या न्यू गाइडलाइंस दी है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल टर्मेक टेक सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको एजुकेशन और टेक से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इग्नू के दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि सबमिशन से पहले जाना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आप उसमें कोई भी गलती कर सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं उस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट की। तो दोस्तों, पहले बताते हैं कि 5 सितंबर से 5 अक्टूबर ये डेट है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की, जिसमें आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। और ये मोड ऑफ सबमिशन मीन्स आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना होगा। और उसके बाद 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2019 तक आपको 500 रुपये लेट फीस देनी होगी, और ये भी आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना होगा, जिसमें आपको कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन फिलअप नहीं करनी होगी। देन दोस्तों, 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर के बीच में आप अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी, और ये भी आपको ऑनलाइन फिलअप करना होगा। और दोस्तों, लास्ट में 1 नवंबर से 1-30 नवंबर तक इसमें आपको लेट फीस 1000 रुपये ही देनी होगी। तो इसमें आपको हार्ड हार्ड कॉपी ऑफलाइन मोड में भेजनी होगी, तभी आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन हो पाएगा। तो दोस्तों, अब हम उन बातों को जानेंगे जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले जानना ज़रूरी है, या आपको सर्च करना ज़रूरी है। जैसे तो दोस्तों, आप केवल उन्हीं एग्जामिनेशन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके लिए आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। और ये चेक करने के लिए आपको ये ब्लू क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा, देन आपको इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना होगा, देन कोर्स कोड, जैसे मेरे लिए है, देन जो कैप्चा दिया गया है उसे हूबहू फिलअप करना है, देन सबमिट। दोस्तों, ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपके सब्जेक्ट दिख रहे होंगे आपको, ये सब्जेक्ट ही आप फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, वापस बैक उसी पे आ जाते हैं। दोस्तों, एक बात ये भी जानना ज़रूरी है कि जिन सब्जेक्ट को आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, उनके असाइनमेंट्स पहले से सबमिट किए गए हो, और अगर दोस्तों आपने सबमिट नहीं किया है तो आप उसे सबमिट कर दीजिए। 31 सितंबर लास्ट डेट है इस असाइनमेंट सबमिट करने की। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अपने जून 2019 का रिज़ल्ट चेक कर लीजिए, जो कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और दोस्तों, अगर आप जिन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं एग्ज़ाम के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको इग्नू की हेल्प डेस्क पे ये कॉल पिकअप करेंगे। और एग्ज़ामिनेशन फीस अगर एक बार सबमिट हो गई तो ये दोबारा रिफंड नहीं हो सकती, ये क्लियर गाइडलाइन में लिखा है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस में सबसे पहले आपको रीजनल सेंटर वाइज एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है उससे एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा, और ये एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करने पर आपको रीजन सेंटर वाइज एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आप कोई 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बात और बताना दोस्तों आपको, आप 3 एग्जामिनेशन सेंटर एक ही रीजन सेंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट मोर देन
रीजन सेंटर केवल आप एक ही रीजन सेंटर के अंदर आने वाले 3 एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रायोरिटी वाइज एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे। दोस्तों आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर बहुत ही क्लियरली सिलेक्ट कीजिए, इसमें कोई गलती ना करें। एक बहुत बड़ा चेंज एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में हुआ है, वो ये कि FST एंड BSHF 101 इनके एग्जामिनेशन पहले एक सेमेस्टर या एक सेशन में एक ही बार होते थे, लेकिन अब अलग अलग कर दिया गया है। अब BA BCom के लिए FST के एग्ज़ाम 30 दिसंबर और BSc मदर्स के लिए 7 दिसंबर है। वही BSHF 101 के लिए BA एंड BA BCom के लिए एग्ज़ाम 9 दिसंबर है, बल्कि BSc एंड अदर प्रोग्राम्स के लिए 18 दिसंबर है। तो यह एक बहुत बड़ा चेंज किया है इन्होंने। इस बार टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, जिस पे कंट्रोल नंबर लिखा होगा, और 72 आवर्स ऑफ सबमिशन के बाद आप अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है और इग्नू ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों टर्म एंड दिसंबर 2019 के लिए एक बात और बता दूँ आपको कि एक बार अगर आपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लिया है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इग्नू ने ये एकदम क्लियर किया है। जैसे कि इसमें दिया गया है, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की। दोस्तों एग्जामिनेशन फीस 150 रुपीज़ पर थ्योरी एंड 150 रुपीज़ पर प्रैक्टिकल, और मोड ऑफ पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी एंड कॉम्पिटिबल पेमेंट मोड है। अनदर इंफॉर्मेशन डेट कि आपको आंसर एग्ज़ाम में उसी लैंग्वेज में लिखना है जिसमें वो ऑफर किया गया है, किसी भी रीजनल भाषा में या लैंग्वेज में आप उसका आंसर नहीं कर सकते, ये इन्होंने क्लियर कट किया है। इसके बाद दोस्तों आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे टिक करना है, जिसमें आप अपना अंडरटेकिंग लेते हैं, और देन आप प्रोसेस टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। और अपना, अगर आपने पहले से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो अपना स्टेटस चेक करने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस और लिस्ट चेक करने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा। देखो उसमें एग्जामिनेशन कोड, एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस और किस रीजन सेंटर से ये बिलोंग कर